हे गाइस, कैसे हो आप सब। सो गाइस, फाइनली आज है 8 अक्टूबर 2023 और आज आपका काफ़ी सारा इवेंट का आखिरी दिन होने वाला है। और उसमें से तीन जो इवेंट है वो तो कंफर्म हो चुका है, कल सुबह 5:30 बजे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इधर आपने नोटिस देखा ही होगा अभी तक, और इधर से भी आप देख सकते हो। इधर आप देख पाओ तीन जो ऊपर का इवेंट आप देख पाओ, एस्टन मार्टिन एक्सूट एंड ड्रैगन बॉल डिस्कवरी, ये तीनों का तीनों इवेंट आज आखिरी दिन है। कल सुबह 5:30 बजे ये इवेंट खत्म हो जाएगा। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज ही आप ये वाला जो डिस्कवरी इवेंट का जो बोल सकते हो क्रेट ओपनिंग है उसको कंप्लीट कर लीजिए, कल सुबह तक आपको वो गायब होते हुए दिख जाएगा, ठीक है। और उसी के साथ साथ पीजीएमआई 2.8 का बोल सकते हो ऑलमोस्ट कंफर्म डेट आ चुका है, ना ही 9 तारीख ना ही 11 तारीख का अपडेट आने वाला है, 10 तारीख का अपडेट आने वाला है, और दोपहर के 12:30 बजे तक एंड्रॉयड डिवाइसेस में अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो जाएगा, और रात के 10 बजे तक सब बंदे को मिल जाएगा, और 4:30 बजे आपका हो सकता है iOS डिवाइस में 2.8 का अपडेट आ जाएगा। तो होपफुली आप सबको जो रिलीज डेट है वो पता चल गया होगा। हो सकता है ये मोड का आज आखिरी दिन हो जाए क्योंकि हम लोग का डिस्कवरी इवेंट भी चल जाएगा। वैसे तो कहीं लिखा हुआ नहीं है कि ये मोड कब खत्म होने वाला, बट मैं आपको बोलूंगा कि आज इसको जितना चाहे उतना इन्जॉय कर लीजिए, क्योंकि वापस आप फ्यूचर में सोचोगे कि ये मोड कैसे खेलना तो वो दोबारा नहीं आने वाला, ठीक है। और स्पेशली कोलैबोरेशन को उतना जल्दी आता भी नहीं है, तो इसी चलते जितना चाहे उतना खेल लो मन भर के, और उसके बाद ये मोड आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद आपको जॉम्बी एज वाला मोड आपको खेलने का मौका मिलेगा। तो मुझे लगता है ये 2023 का वन ऑफ द बेस्ट मोड आया है। वैसे तो बीजीएमआई का तो ज़्यादा अपडेट आया ही नहीं है 2023 में, बट जितना भी आया ये मोड काफ़ी अच्छा लगा, और इवन मैं पबजी का देख के बोलूंगा तो ये मोड काफ़ी अच्छा था, काफ़ी लोगों को पसंद भी आया था। और इसके अंदर जो चैलेंज था ना, जो 7 बार मैच जीतने का, वो इनसेन था। उस टाइप का चैलेंज काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। वैसे जॉम्बी एज वाला में भी एक टाइटल आने वाला है जिसमें आखिरी बंदे को कुछ स्पेशल वेपन यूज़ करके मारना है, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो वो समझ में आ गया कि रिलीज डेट कब होने वाला। चलो आज हम लोग डिस्कवरी इवेंट का जो रिमेनिंग पॉइंट्स है और थोड़ा सा यूज़ करके हम लोग देखते कुछ मिलता भी है कि नहीं, फिर हम लोग क्लिक करेंगे। और मैं आप लोग सबको बोल रहा हूँ कि आज डिस्कवरी इवेंट रात को 12 बजे के पहले ख़त्म कर दीजिए, ठीक है। जैसे हम लोग क्लिक करते हैं और उसके बाद आप देख पा रहे हो, सबसे पहले तो हम लोग कलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसमें देखा भी नहीं हूँ कितना कलेक्ट होगा क्योंकि मैं लगातार खेलते गया। और इधर आप देख पा रहे हो आज का भी हम लोग चाहते तो कर सकते थे, बट इधर आप देख पा रहे हो हम लोग का एक एक कर कलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि मैं कलेक्ट ही नहीं किया था। तो इधर आप देख पा रहे हो फ्री में क्लिक करेंगे, एक हम लोग को मिल चुका है, 2 3 4 देखते कितना फ्री होगा, 5 6 7 8 होपफुली बहुत ज़्यादा होना चाहिए, 9 10 चलो 1-10 ओपनिंग तो हो ही जाएगा, अभी और भी है, 11 हुआ और 12, टोटल 12 कॉइन हम लोग इधर से मिल चुका। उसके साथ एक इन्वेंट्री में ऑलरेडी है, तो इधर आप देख पाए टोटल हम लोग पास 13 कॉइन होना चाहिए, तो 13 कॉइन है। तो चलो इसमें हम लोग क्रेट ओपनिंग करते हैं। क्रेट ए तो ओपन नहीं करेंगे, क्रेट बी ओपन करेंगे। मैं एक क्रेट ओपनिंग से डीपी तो नहीं उम्मीद कर रहा हूँ क्योंकि मेरा लक मुझे पता है मिनी मटेरियल भी दे देगा तो बहुत बड़ा बात होगा। तो चलो पहले हम लोग 3-3 बार सोलो ओपन करते हैं, तो लेट्स गो पैराशूट ट्रेल। तो चलो एक और बार, नहीं मिला भाई, एक और बार सोलो, ओके। अभी तक 3 ओपन के कुछ भी नहीं मिला, मैं उम्मीद भी नहीं कर रहा कुछ मिलने वाला है। ये 10 फ्री ओपनिंग है, देखते हैं भाई इतना दिन का मेहनत क्या होता है। ओके ओके भाई, मिल गया मेरे को भी सेनरॉन डीपी 28 मिल चुका है फाइनली। भाई काफ़ी लोगों को मिला था, मुझे नहीं लगा था कि मुझे मिलेगा, बट फ्री में मिल चुका है। इसके लिए मुझे एक भी यूसी नहीं डाला, जैसे कि आप देख पा रहे हो। काफ़ी अच्छा ओपनिंग स्टार्टिंग में ही हो चुका है। ओके, तो ये इसमें हम लोग का डीपी फाइनली मिल चुका है। तो चलो थोड़ा सा तो लक ओपी था, फ्री में कुछ तो मिल गया ना। अभी 2 बार यूसी से कर लेते हैं, देखते क्या होता है। तो चलो एक बार ओके करते हैं, एक मिनी मटेरियल मिला, एक और बार आखिरी बार हम लोग ट्राई करते हैं, ठीक है। तो मैं तो बोलूंगा भाई फ्री क्रेड ओपनिंग ज़्यादा ओपी था एज कम्पेयर टू ये। चलो दोनों में थोड़ा थोड़ा मिनी मटेरियल मिल चुका है, अब इसमें इतना ही है। हम लोग का जो मेन चीज़ था वो तो मिल ही चुका है, डीपी, एटलीस्ट ड्रैगन बॉल का याद तो रहेगा इसी के चलते। तो फाइनली हम लोग डीपी मिल चुका है, इसको अपग्रेड कर सकते हैं कि नहीं, इसको अपग्रेड कर सकते हैं वैसे। ओके, कितना लगेगा टोटल? तो टोटल 4 मटेरियल लगेगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो टोटल 4 मटेरियल लगेगा, मैं सोच रहा हूँ इसको अपग्रेड कर दूँ, डीपी का एक स्किन भी मिल जाएगा। किल फिट तक मैं कर देता सोच रहा हूँ, तो इसमें एक काम करते हैं, सबसे पहले मिनी मटेरियल को कम्बाइन कर लेता हूँ मैं। ओके, 15 है,
सो कंबाइन करके एक बना लेते हैं। ओके डन। उसके बाद हम लोग चलते हैं वर्कशॉप में। ओके ओन में क्लिक करते हैं और चलो इसको अपग्रेड कर लेते हैं। तो इधर आप देख पर इसको हम अपग्रेड करते हैं लेवल 2 में। ये हम लोग का लेवल 2 हो चुका है। उसके बाद आप देख पर हम लोग इसको लेवल 3 करते हैं। ओके लेवल 3 भी डन। और उसके बाद हम लोग करते हैं इसको लेवल 4। तो फाइनली हम लोग का वो सकते हो किल मैसेज वाला DP28 हो चुका है। ये DP का स्किन मुझे काफ़ी अच्छा लगा और जैसे कि आपको पता होगा ये एपिक कैटेगरी का DP है, तो मैं सोचा कि चलो अपग्रेड कर लिया जाए। जब तक अपग्रेड ही नहीं करेंगे तो भाई DP मिलना नहीं मिलना बात तो बराबर है। हम लोग के लिस्ट में एक बार अपग्रेडेबल स्किन आ चुका है और इधर आप देख पा रहे हैं M4 हो चुका है। इस कारल को भी मैं बहुत जल्दी अपग्रेड कर दूंगा, एटलीस्ट इधर आप देख पा रहे 2 लेवल कर लूँगा। इसके लिए हम लोग को कितना चाहिए, 3 चाहिए होगा और इधर 4, तो टोटल हम लोग को चाहिए होगा 7 मेडल या 7 मटेरियल, जो कि अभी उतना हार्ड नहीं होता, इजीली मिल जाता। अगर एजी करेंसी वाला आ गया तो सबसे पहले मैं M4 ग्लेशियर को मैक्स करूंगा। तेजी करेंसी की कोई भी कमी नहीं है जैसे कि आप देख पा रहे हो, एक बार आ गया तो भाई काम बन गया। तो चलो थोड़ा सा DP चला के मैं देख लेता हूँ कि DP का किल फीट कैसा है। तो चलो इतना ही रखते हैं वीडियो को। थैंक यू सो मच गाइज, एंड हैव अ नाइस डे। टेक केयर, बाय बाय।